लग्जरी गाड़ियों पर सवार होकर लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का यूपी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, 3 लग्जरी गाड़ी, 72,000 से ऊपर रुपए, 2 कट्टा, 2 कारतूस और 4 मोबाइल फोन के साथ 3 अभियुक्तों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के कुशल निर्देशन पर और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में गठित टीम क्षेत्र अधिकारी उतरौला और प्रभारी निरीक्षक सदुल्ला नगर, प्रभारी स्वाट टीम और सर्विलांस टीम के द्वारा 26 नवंबर को कस्बा सदुल्ला नगर में चप्पल व्यवसायी के साथ हुई 1,00,000 रुपए की लूट की घटना को लेकर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्तों से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल लूट और झांसा देकर जनपद गोड्डा बलरामपुर में घटना कारित की गई है। इसके पहले गुजरात राज्य के जनपद वलसाड़ में लगभग 5 वर्षों से एक साथ रहकर घटना को अंजाम देते थे। गैंग का सरगना अभियुक्त सहित उसके सहयोगियों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आज एसओजी टीम, सदुल्ला नगर थाने की टीम और सीओ साहब उतरौला के पर्यवेक्षण में एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो लूट और टप्पेबाजी की घटना करता था। ये गैंग लग्जरी गाड़ियों को यूज़ करते हुए अपनी अच्छी कॉन्फिडेंस दिखा के वहाँ जो भी बैंक के पास जो पैसे विड्रॉ करते थे उनको झांसा दे के उनसे अपना कैश ले लेते थे और एक नकली नोटों की गड्डी या सफ़ेद कैश की गड्डी देके उनसे चेंज करा के उनको ठग लेते थे। और ऐसी घटनाएं इन्होंने आसपास के क्षेत्रों में गोंडा में और महुआ में ट्राई करी है। उसके अलावा ये गुजरात में पिछले 3 सालों से करीब इन्होंने 15-16 घटनाएं बताई हैं, जो हमने गुजरात पुलिस से बात करके उन्होंने उनकी टीम भी आएगी इनसे पूछताछ के लिए। और इसके बाद जो मेन हमारा वर्कआउट हुआ है, सैदुल्ला नगर का 1,00,000 रुपए की लूट हुई थी, तो बेसिकली वहाँ पर भी वो ठगी करने आए थे, मगर वहाँ जब बात नहीं बनी तो वो छिनैती में वो तब्दील हो गया था इनके द्वारा और वो वहाँ पे सिलेरियो गाड़ी से भागे थे। उसी गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने ये गैंग रिकवर किया है और इसमें 3 लोग आए हैं, मनोज कुमार है मौर्य जो कि अयोध्या के रहने वाले हैं खंडासा थाने के, भगवान दास साहू जो बलसाड़ गुजरात का है, विकास पटवा ये भी गुजरात से हैं, ये लोग ओरिजिनली उत्तर प्रदेश से हैं बट 1 दशक से भी ज़्यादा से गुजरात में रह के वहाँ भी क्राइम कर रहे हैं। इनके पास से कुल 72,000 की हमें धनराशि प्राप्त हुई है, 3 लग्जरी कार जिसमें कि इनोवा TUV जैसी अच्छी गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा इनके पास से दो कट्टे मिले हैं और जिंदा कारतूस भी मिले हैं जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए या जहाँ पर टप्पेबाजी की बात नहीं बनती थी वहाँ लूट कारित करने के लिए उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। और अब अभी भी क्या कहते हैं, ये लगातार एक और इनका ऊपर मॉडस ऑपरेंडा ये था कि जहाँ भी केस पुलिस की नज़र में आ जाता था वहाँ पे वादी को फ़ोन करवा के किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मैनेज करके उसको ख़त्म करवा देते थे, जिससे छोटी छोटी जो अगर घटनाएं हो गई हैं जिसमें पुलिस इन तक पहुँच सकती है वो घटनाओं को ये लोग वहीं पर दबा देते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर लिखे नहीं गए हैं, इसीलिए इतना इनका सोफिस्टिकेटेड तरीका रहा है। और इस गैंग को वर्कआउट करने वाली टीम को EDG महोदय द्वारा 15,000 का पुरस्कार दिया गया है जो कि काफी प्रशंसनीय है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज। अलीगढ़ का नंबर 1 बैटरी सर्विस हिंद बैटरी सर्विस, प्रशांत कुमार की अलीगढ़ की जानी मानी बैटरी सेवर प्रदत्त कंपनी बन चुकी है। ग्राहकों की प्राथमिकता की सहूलियत देखते हुए सदैव डिफेक्ट बैटरी को अपने काउंटर से ही रिप्लेस करते हैं। सभी तरह की कंपनियों की बैटरियों का एकमात्र विश्वसनीय मल्टी ब्रांड शोरूम हिंद बैटरी सर्विस। सड़क से संसद तक, गांव से शहर तक, अपराध से भ्रष्टाचार तक, देश के हर राज्य की हर घटना तक, चुनाव हो या फिर कोई मुद्दा,
अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। एचपीएन न्यूज अब नए अंदाज और नए जुनून के साथ आपके बीच।